हेलो फ्रेंड्स, AIU कंप्यूटर जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के बाद आपके मन से ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि एक्चुअल में DCA कोर्स कितने दिनों का होता है। ये मैं नहीं, मेरे यूट्यूब फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं वो आपको बताएंगे। याद कीजिए, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने DCA वालों से 3 सवाल पूछा था, जिसके अंदर ये भी सवाल था कि आपके इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में DCA कितने दिनों में कंप्लीट करवाया जाता है। तो आज हम लोग सारे कमेंट्स को पढ़ेंगे और उनके कमेंट्स को समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर इतना डिफरेंस क्यों है। आखिर कोई स्टूडेंट्स क्यों बोलता है कि DCA 6 मंथ में होता है कंप्लीट, और कोई बोलता है कि DCA 12 मंथ में कंप्लीट होता है, और कोई बोलता है कि DCA 7 मंथ में कंप्लीट होता है। तो आखिर इतना डिफरेंस क्यों होता है, एक्चुअल में DCA कोर्स होता कितने दिनों का है। तो आज हम लोग सारा कन्फ्यूज़न दूर करेंगे। आप देख सकते हैं, सबसे पहला कमेंट है राहुल दास का, जो बताते हैं कि मेरे यहाँ DCA 7 मंथ में कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न है, कोई बोलता है 6 मंथ में, कोई बोलता है 7 मंथ में, कोई बोलता है 12 मंथ में। तो आखिर ये क्या फंडा है, मैं सारा फंडा आपको बताऊंगा सारे कमेंट्स को पढ़ लेने के बाद। उसके बाद नीचे देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है, पूजा कुमारी जी का कहना है कि DCA 12 मंथ का होता है। ओके, मैं कुछ कमेंट्स और भी पढ़ लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए नीचे, निशांत वर्मा ये बताते हैं कि DCA 1 साल का होता है। आप देख लीजिए DCA कितने दिन को बोला जा रहा है, 1 साल का बोला जा रहा है। और नीचे कीजिए, यहाँ पे ये बताया जा रहा है, विकास कुमार जो बताते हैं कि DCA 6 मंथ का होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, नंदपाल प्रजापति इनका कहना है कि DCA 6 मंथ का होता है, ठीक है। तो इतना कन्फ्यूज़न क्यों है, कोई बोलता है 6 मंथ, कोई बोलता है 12 मंथ। तो देखिए, ध्यान से समझिए, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से DCA का कोर्स करते हैं तो ये कंफर्म है कि आपको 1 साल लगेगा, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर 6 मंथ का और सेकेंड सेमेस्टर 6 मंथ का, टोटल 12 मंथ, यानी 1 साल। और अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से DCA का कोर्स करते हैं तो ये कंफर्म नहीं है कि DCA कितने दिनों का होता है, ये आप भूल जाइए, क्योंकि सारा मैटर आपके इंस्टीट्यूट पर डिपेंड्स करेगा कि वो इंस्टीट्यूट आपको DCA कितने दिनों में कंप्लीट करवाएगी, ठीक है। तो वो सारा खेल इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है, इंस्टीट्यूट जितने महीने में DCA कंप्लीट करवाना चाहेगी उतने महीने में वो कंप्लीट करवाएगी। तो आज के बाद से आपके मन में ये जो कन्फ्यूज़न चलता था कि DCA कितने दिनों का होता है, वो शायद दूर हो गया होगा, कि DCA का कोई लिमिट नहीं है ड्यूरेशन कि कितने दिनों का होता है। अगर यूनिवर्सिटी से हैं तो 1 साल, और अगर इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो डिपेंड्स आपके इंस्टीट्यूट पर करता है कि 6 मंथ में होगा कि 7 मंथ में होगा, लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो 1 साल, नहीं तो 6 महीने, बस ये दो ही होता है। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।